नमस्कार, मैं सुमित राय, स्वागत है आपका लोकमत न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल की किंग्स इलेवन पंजाब टीम के बारे में। किंग्स इलेवन पंजाब को अपना पहला मैच 8 अप्रैल को दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाफ अपने घरेलू मैदान मोहाली में खेलना है। टीम की कमान पहली बार स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के हाथों में है और वो पहली बार किसी टीम की कमान संभाल रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कैसी है पंजाब की टीम और क्या है टीम की ताकत और कमजोरी। किंग्स इलेवन पंजाब ने युवराज सिंह, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, एडम गिलक्रिस्ट, जॉर्ज बेली, वीरेंद्र सहवाग और ग्लेन मैक्सवेल जैसे धाकड़ बल्लेबाजों के बाद इस साल पहली बार स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को कप्तान बनाया है। अश्विन ने आईपीएल में अब तक खेले 111 मैचों में 100 विकेट अपने नाम किए हैं और इस बार उन्हें कप्तानी में भी कमाल करना है। पंजाब टीम के ऑलराउंडर की बात करें तो यह टीम ऑलराउंडर से भरी हुई है। कप्तान अश्विन भी खुद ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं। टीम में अश्विन के अलावा युवराज सिंह, मार्कस स्टाइनिस, मयंक डागर, मंजूर डार और अक्षर पटेल को ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया है। इस साल बैटिंग के मामले में भी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में काफी गहराई है। पंजाब की टीम ने इस साल क्रिस गेल, करुण नायर, डेविड मिलर, एरोन फिंच, मयंक अग्रवाल और मनोज तिवारी को बल्लेबाज के रूप में शामिल किया है। इसके अलावा टीम में केएल राहुल और अक्षयदीप नाथ विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में हैं। पंजाब की टीम ने इस साल सबसे बड़ा दाव खेलते हुए स्पिन के दिग्गज आर अश्विन को टीम में शामिल किया है और उनका साथ देने के लिए टीम में अक्षर पटेल शामिल हैं। तेज गेंदबाज मोहित शर्मा एक समय धोनी के पसंदीदा गेंदबाज बन चुके थे लेकिन लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं और उनके फॉर्म पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये थी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, उसकी कमजोरी और ताकत। अन्य टीमों से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहें लोकमत न्यूज.in के साथ।